पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ग्रेनी ने गुल्ली को देख लिया था, तभी पुल्ली ने आकर गुल्ली की जान बचा ली। पुल्ली गुल्ली के पास जाता है और पुल्ली से कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो ग्रैंडपा आ जाएंगे और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और इधर ग्रैंडपा ग्रेनी को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुँच गया है, पर ये गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि इनके पीछे ग्रैंडपा है और इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर गेट पर तो किसी ने ताला लगाया हुआ है, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का। अब गुल्ली बुल्ली बहुत परेशान हो रहे हैं और जेसन भी इनको देख रहा है और अब दोनों कन्फ्यूज़ हो गए हैं। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं थोड़ी देर पहले तो ये गेट खुला हुआ था, पता नहीं इस गेट पे ताला किसने लगाया है। और इधर जेसन उनकी तरफ बढ़ा है। अब गुल्ली बुल्ली को कहता है जेसन हमारी तरफ आ रहा है, हमें जल्द से जल्द जान निकलना होगा, नहीं तो कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। पुलिस कहता है हमारे पास छुपने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ तो हम सब मरने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली को सामने देखकर जेसन इतना गुस्से में आ गया कि उनका मास्क उनके चेहरे से उतर गया है। उनका चेहरा इतना बदसूरत है कि वो अपने चेहरे को अपने हाथ से ढांपने की कोशिश कर रहा है, मगर ये सब रोड देख रहा होता है। ज़रूर रोड गुल्ली बुल्ली कोई मदद करेगा। गुल्ली बुल्ली को रोड कह रहा है मैं जेसन से जैसे ही तलवार छीनू आप मेरे पीछे आना और हम यहाँ से भाग जाएंगे और ग्रेनी के पास इस ताले की चाबी है और ग्रेनी अभी तक बेहोश है, हम वो निकाल लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। और अब ब्रोड ने जेसन से तलवार छीन ली है और वो गुल्ली बुल्ली से कहता है जल्दी मेरे पीछे आओ। गुल्ली इस मौके का फायदा उठाते हुए जेसन का मास्क ले जाता है, मगर जेसन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सारी ताकत उस मास्क में है और वो जल्दी से रोड के पीछे जा रहे हैं। और ये सब रोड देख रहा है कि ग्रैंडपा और ग्रेनी तो दरवाजे पर पड़े हैं, ये कहाँ से जाएगा। लेकिन अब जेसन भी उनके पीछे आ रहा है। आगे क्या होगा गुल्ली बुल्ली और रोड का, ये सब हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।